नमस्कार, बिहार 24 सबसे सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं आज लखनऊ प्रखंड पर हूँ, यहाँ से सीधे आपको बता रहा हूँ किसान संघर्ष समिति के लोग कितने परेशान हैं और कितने बेचैन हैं। किसान संघर्ष समिति लखनऊ के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़क में इनके भू अधिग्रहण का पैमाना सही नहीं हो पाया है। व्यावसायिक और आवासीय जमीन को कृषि योग्य बना दिया गया है, जिसके कारण मुआवजा कम होगा। मैं आपको मिलवाता हूं किसान संघर्ष समिति मोर्चा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक शंकर कुमार सिंह जी से। किसान संघर्ष समिति के संयोजक शंकर कुमार सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या नौबत आई कि आपको अपने किसान पीड़ित भाइयों के साथ धरना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोगों का ज़मीन जो है भारत माला प्रोजेक्ट में विदेशर स्थान से भेजा जो रूट है उसमें अधिग्रहित किया गया है। इसका वर्गीकरण जो है पूर्ण रूपेण भेदभाव यानी लालच में किया गया। जो आदमी पैसा दिया है दोनों शहर के बीच में कमला नदी के तटबंध जो नदी का किनारा है उस ज़मीन को आवासीय कर दिया, और जो सड़क मेन जो मान लीजिए मुख्य सड़क है झंझारपुर मधेपुर का, उस मुख्य सड़क के दोनों किनारे के ज़मीन को जो है सो 95% ज़मीन को कृषि कर दिया। कृषि और हम लोगों के ज़मीन पर व्यवसाय चल रहा है, आवासीय ज़मीन है। अब यहाँ से लेके भेजा तक आप देख सकते हैं कि कितना व्यवसाय चल रहा है, कितना आवास है। सरकार का खुद मूल्यांकन का एक पत्र निर्गत हुआ है 2017 में, जिसका कॉपी आपको मिल रहा है, तो उस पर भी मूल्यांकन होता तो सभी ज़मीन कम से कम नहीं कुछ होता तो आवासीय तो होता ही उस आधार पर। लेकिन हम लोग तो इस पत्र के आलोक में इसको जानकारी लेकर के कि पदाधिकारी किस आधार पर अगर मूल्यांकन करेंगे वर्गीकरण पाए, जिसका परिणाम हुआ सभी ज़मीन को एग्रीकल्चर कर दिया, जिसमें मकान बना हुआ है उसको जो परिवार सहित रह रहा है उसको भी, जहां पर व्यवसाय चल रहा है उसको भी, सबको कर दिया है। तब अब ये सब देखने के बाद हम लोगों को लगभग आज से 3-4 रोज पहले नोटिस मिला है। जब नोटिस मिला तो सभी किसान हम लोग बैठे हैं। इसका एक संघर्ष समिति बनाया गया। आज जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम सरकार के नज़र में ये दे रहे हैं, जो कि हमारी मांग कोई गलत नहीं है, जो कि कोई लालच में आप हमको कर दीजिए ऐसा नहीं, जो आपका ही मानदंड है बस उस आधार पर आप इसका वर्गीकरण कीजिए। मूल्यांकन की बात रही तो 12-13 में जो सरकार मूल्यांकन की थी आज उस मूल्य को 2021 में वो लागू करना चाहते हैं। अगर 10% से बिहार ग्रोथ कर रहा है तो 10% प्रति वर्ष का ग्रोथ आप 2013 से उठाइए 2021 तक लाइए। कोई गलत मांग डिमांड नहीं है। अगर बिहार पीछे जा रहा है तो आप पीछे ले चलिए, कोई बात नहीं। अगर हम आगे चल रहे हैं तो आपको आगे चलना ही होगा, आपको ये बात को समझना ही चाहिए। नहीं अगर आप मानते हैं तो आज तो शांतिपूर्ण है, इस के बाद हम लोग आपस में विचार करेंगे। परियोजना को बाधित करने के लिए हम लोगों को जितना हथकंडा अपनाना होगा वो मजबूरन हम लोग करेंगे, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि विकास तो चाहिए, सड़क चाहिए, लेकिन आप हम लोगों को बलि दे करके तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। आप सड़क बनाइए, हम लोग अधिक नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा उचित है उतना आप करेंगे। अगर आप बढ़िया अगर कोई दूसरा जांच टीम बैठता है पुनः जांच टीम बैठता है तो 6-मैन कमेटी में जितने भी सदस्य थे उस सदस्य में एक भी आदमी नहीं रहना चाहिए। आपका आरोप है कि 6 सदस्यीय कमेटी जो जांच की उनकी जांच निष्पक्ष नहीं। नहीं, आप उसका एक ज्वलंत उदाहरण ले लीजिए कि दोनों शहर के बीच में सड़क बन जाएगा तो पर भी 20-25 साल में वहाँ आवास होने वाला नहीं है। कमला का जो तटबंध पेट है, कमला नदी के किनारे पर जो जमीन है 5 लाख रुपया दिया, उस 2 प्लॉट को आवासीय कर दिया। दोनों शहर से लगभग 1 किलोमीटर अंदर बीच में मध्य में है, और जितना आवासीय जमीन है सड़क किनारे व्यावसायिक हो या आवासीय है सबको एग्रीकल्चर कर दिया, जो कि पैसा यहाँ पर नहीं दिया गया। आरोप क्या है?
या तो प्रत्यक्ष है, आप देखिए उसको मिलाइए, वो सही है या नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसानों की बलि देके सड़क निर्माण की योजना ये बन रही है, आपका जो वाजिब हक होना चाहिए जमीन का, जो व्यवसायिक जमीन है, जो आवासीय जमीन है, वो कैलकुलेशन में या सर्वेक्षण में जो कमिटी है वो नहीं दी। आप, हमारा ये कहना है कि आप अपना खजाना में से उठा करके हमको मत दे दीजिए। आपने जो एक वर्गीकरण का आधार बनाया है जी, आपने खुद सरकार ने जो बनाया है वर्गीकरण का आधार, उस आधार पर आप उसका वर्गीकरण कीजिए। कितने लगभग किसान इस समस्या से ग्रसित? इस समस्या से ग्रसित लगभग हमको लगता है 95% किसान है। यहाँ से भेजा तक चलिए हजारों हजार आएगा। आंदोलन तो हम लखनऊ प्रखंड का ही अभी लिए है, अब बाद में उन लोगों को भी सम्मिलित करेंगे। मूल्यांकन की बात रह गई तो आप 12-13 को जोड़िए और 2021 को, क्या आपको उसमें दूरी नहीं बुझा रहा है? ये मूल्यांकन 12-13 का ही, 12-13 का जो आपको मूल्यांकन दिया गया है जमीन का, वही मूल्यांकन है ना? आप कौन आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं? आपका आधार क्या है? उस मूल्यांकन के बाद भी जमीन के प्रकार में अंतर किया गया, वही वर्गीकरण हुआ ना, वही प्रकार हुआ ना, वही वर्गीकरण हुआ कि आवासीय को आप एग्रीकल्चर कर दिए, व्यवसायिक को आप एग्रीकल्चर कर दिए, वही हुआ वर्गीकरण। जिसको आप प्रकार कहिए या उसका आप जो कहिए, वर्गीकरण उसी को कहा जाएगा। बिहार सरकार का पत्र है वर्गीकरण का, जो अपने विभाग निबंधन विभाग को दिया गया है। आप रजिस्ट्री कराने जाइए, अगर आपके चौहद्दी में एक सीमा सड़क पड़ता है तो वो एग्रीकल्चर में रजिस्ट्री नहीं लेना, कृषि में रजिस्ट्री नहीं है, उसको आप आवासीय में लीजिए या व्यावसायिक में लीजिए। ऐसे जमीन को भी कृषि नहीं, नहीं, वो रजिस्ट्रार भी उस सिक्स मैन कमेटी में था। इस बार ऐसे जमीन को भी कृषि वर्ग में दिया गया है। सर एक ही बात हो रहा है कि झंझारपुर मधेपुर जो मुख्य सड़क है उसके जो सटे हुए जमीन है, आप उसको खरीदने जाइए तो उसको आप रजिस्ट्री कराइएगा, सीमा में सड़क दीजिएगा तो उसका एग्रीकल्चर रजिस्ट्री नहीं करेगा। वह रजिस्ट्रार सिक्स मैन कमेटी का सदस्य है, वह रजिस्ट्रार सिक्स मैन कमेटी का सदस्य है। मूल्यांकन क्या है? रजिस्ट्री ऑफिस में जो 12-13 में जो मूल्यांकन करके भेजा गया है, वही मूल्यांकन 2021 में किया। आपकी मुख्य मांग? मुख्य मांग यही है कि आप 12-13 से लेकर 21 तक का दूरी नापिए ना, 10% अगर ग्रोथ कर रहा है प्रति वर्ष बिहार, तो प्रति वर्ष 10% आइए ना, ये गलत मांग कहाँ है? इस धरना प्रदर्शन के बाद आगे भी कोई, इस धरना प्रदर्शन के बाद अगर मांग पर पुनः विचार नहीं होता है तो आपको 28-29 को ये लोग पेपर मांग रहे हैं, तो हम लोग तो पहले वही विरोध करेंगे, दूसरा विरोध करेंगे, परियोजना बाधित होगा जो हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मजबूर आप करेंगे तो मजबूर होकर के हमको बाधित करना पड़ेगा। आप इसका उदाहरण तो देख रहे हैं कि देश स्तर पर क्या हो रहा है, आप सरकार चला रहे हैं, क्या आपका नीति होना चाहिए, किस पर अन्याय कर रहे हैं? आपका बल चाइना बॉर्डर पर नहीं चल रहा है, जो जूता से जूती आ रहा है आपको, क्या कर रहे हैं आप? अपना किसान पर, अपना लोग पर अत्याचार, तो अब इससे बढ़ के क्या होगा? ऐसा ऐसा पदाधिकारी चोर कुवार को लाए हैं, जो पैसा दीजिए तो नदी किनारे में आवासीय है, पैसा नहीं दीजिए तो जिस पर 12 में हमको FFDA अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिस व्यवसाय के कारण उस व्यवसाय को वो एग्रीकल्चर कर दिया है, अब कहिए अब इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? तो इस अत्याचार के विरुद्ध, अब इस अत्याचार के विरुद्ध क्या होगा? इस अत्याचार के विरुद्ध ऐसा आंदोलन होगा जो फिर बेइज्जत, तो सरकार अपना मॉडल बेच लिया कि क्या बेच लिया, कोई इसके पास विचार है कि नहीं है, अब क्या इस पर बोला जाएगा? अब तो हम लोग करेंगे, अगर इस पर आज के धरना प्रदर्शन पर अगर कोई विचार नहीं हुआ तो तुरंत हम लोग दूसरा स्टेप उठाएंगे, तुरंत उठाना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे? तो पहले कहिए। आप सुन रहे थे शंकर सिंह जी को, किसान आक्रोशित है, विकास हो इसके पक्षधर हैं, लेकिन विकास इनके कंधे पर पैर रख कर न किया जाए, इनका वाजिब हक मिले। धरने प्रदर्शन में हम देख रहे हैं कि वामपंथी नेता और झंझारपुर के पूर्व विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले महागठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड राम नारायण
जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि इस किसान आंदोलन का आपके द्वारा क्या समर्थन किया जा रहा है और ये वाजिब कितना है। लखनऊ प्रखंड किसान संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग किसानों को मांग को समर्थन देने के लिए आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आए हुए। एक तरफ सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 527 से भारतमाला पैकेज 3 जो विदेश्वर स्थान से भेजा तक जाने वाली है, उसमें लखनऊ प्रखंड के मौजा दैया खरबा, मौजा लखनऊ और मौजा लोफा, आप देख रहे हैं कि PWD का मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के दोनों तरफ के जमीन को जो अधिग्रहण किया गया है उसके वर्गीकरण में जो जांच टीम था उनके द्वारा काफ़ी भारी पैमाने पर भेदभाव किया गया है। संघर्ष समिति का अध्यक्ष द्वारा आपको बताया गया है कि कमला नदी के भीतर में जो जमीन नदी में अभी भी है उस जमीन के पैसा के बदौलत भ्रष्टाचार में लिप्त रह करके उस जांच टीम के पदाधिकारी पैसा के लेन देन खेला बेला करके उसको आवासीय भूखंड कर दिया गया है। और दैया खरबैन में जहां हनुमान चौक के नजदीक पेट्रोल पंप अवस्थित है वहां कई व्यावसायिक स्थल भी है, उसके आगे में मत्स्य हेचरी दर्जनों हैं जो व्यावसायिक स्थल से जुड़ा हुआ है। आगे में लखनऊ प्रखंड कार्यालय है, वहां भी व्यावसायिक स्थल है जो बिजनेस अभी भी चल रहा है। इसके आगे लखनऊ गाँव में लोग आवासीय भूखंड में घर बना के रह रहे हैं, वहाँ लखनऊ गाँव में भी पेट्रोल पंप है और रुपौली से लेकर लोफा तक दोनों तरफ सड़क के किनारे व्यावसायिक स्थल अभी भी मौजूद है। लेकिन सरकार के इस सुशासन बाबू के सरकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने वाले पदाधिकारी यहाँ के लखनऊ प्रखंड के किसानों के साथ भारी पैमाने पर भेदभाव किया है। आज किसान संघर्ष समिति ने मांग किया है कि पुनः उच्च स्तरीय जांच टीम गठित किया जाए और सड़क के किनारे जो आवासीय जमीन है, जो औद्योगिक केंद्र से बना हुआ है, जो व्यावसायिक है उसको आवासीय है तो आवासीय मुआवजा दीजिए, जो औद्योगिक बिजनेस का है उसको बिजनेसमैन वाला आप दीजिए, अगर सो नहीं दीजिएगा नए तरीका से आप कृषि योग्य भूमि बता करके भूअर्जन पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा किसानों को नोटिस दिया गया है, उससे स्पष्ट हो रहा है यहाँ के किसानों के साथ उनके हक के साथ हकमारी किया जा रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि पुनः उच्च स्तरीय जांच टीम गठित हो और गठित होने के बाद जांच कीजिए कि कौन इसमें दोषी है। एक तरफ जमीन रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय के एक पत्र हम मेरे पास है जो आदित्य कुमार दास निबंधन महानिरीक्षक बिहार पटना के द्वारा वर्ष 2017 में एक पत्र निर्गत किया गया है, उसका कॉपी हम आपको दे रहे हैं। उसमें मुख्य सड़क के दोनों तरफ जमीन को आवासीय परिसर माना गया है। झंझारपुर के निबंधन कार्यालय में आप जमीन खरीदने या बेचने के लिए जाइए, आवासीय परिसर के हिसाब से उसका राजस्व निबंधन शुल्क रजिस्ट्री ऑफिस में देना पड़ता है। दैया खरबैन हनुमान चौक से लेकर के लोफा बाजार तक सड़क के किनारे 20 लाख रुपए प्रति कट्ठा की दर से कहीं कम जमीन नहीं है। कई लोग बसने के लिए जमीन खरीदे हैं, कई लोग गांव से आकर के यहां बसना चाहते हैं, लेकिन यह सुशासन बाबू की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त रह करके किसानों को जो जायज मांग है उसको दरकिनार कर रहा है। आज हम लोग किसानों के समर्थन में, किसानों के मांगों के समर्थन में आज धरना पर आए हुए हैं। ये आंदोलन का पहला चरण है। अगर सरकार के द्वारा मांग हम लोगों का नहीं माना जा रहा है, किसानों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके नोटिस जो दिया गया है उसको रद्द नहीं करता है, नया सिरा से टीम गठित करके जो आवासीय भूखंड है उसको आवासीय मुआवजा दीजिए, जो व्यवसायिक है उसको व्यवसाय दीजिए, अगर नहीं होगा जैसे देश के किसान एकत्रित होकर के तीनों कृषि काला कानून रद्द करने के लिए 7 लाख किसानों ने अपना शहादत दिया और शहादत किसानों अपना शहादत के बल पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन दबाव में लाचार करके पार्लियामेंट से वो तीनों बिल वापस लेना पड़ा। उसी तरह आज हम लोग संकल्प लेते हैं तमाम किसान, अगर हम लोगों को भी शहादत देना पड़ेगा, इस इलाके के किसानों को अगर शहादत देना पड़ेगा तो कंधा में कंधा मिलाकर हम लोग शहादत देंगे और किसानों के साथ जो जमीन के वर्गीकरण में धांधली हुआ है उसकी जांच की हम मांग करते हैं। वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर में बंद होना चाहिए और किसानों को जायज मांग है, किसानों का जो जमीन आप ले रहे हैं, हम लोग NH के अवरुद्ध करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि विकास रुके, लेकिन हम लोगों का मांग है कि आप ही के सरकार के द्वारा जो जमीन का वर्गीकरण किया गया है, जो आदेश निर्गत किया गया है उसका अक्षर से आप पालन कीजिए। एक तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त रह करके पैसा का लेन देन करके कमला नदी के भीतर में जो बसा हुआ है उसको आप आवासीय कर दिए हैं, वो भी दैया खरबैन मौजा का जमीन है, आप नोटिस पढ़ने से अवलोकन होगा। और एक तरफ जो सड़क के किनारे जो हेचरी का व्यवसाय करते हैं, जो पेट्रोल पंप बनाए हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो आवासीय भूखंड है
उस व्यवसायी को और आवासीय भूखंड को आप कृषि योग्य बना करके 1.5 लाख रुपए इकट्ठा दे रहे हैं। यह नाइंसाफी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक पुनर्विचार नहीं होगा, पुनर्जांच नहीं होगा और किसानों का जो असली हक है वो हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा। तब तक हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे, सड़क जाम आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करना होगा तक करेंगे, जेल भरो अभियान होगा तक करेंगे। और अगर किसानों के साथ शहादत देना पड़ेगा तो हम लोग वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और हम लोग अपना शहादत देने के लिए तैयार हैं। राम नारायण यादव, अंचल मंत्री, CPI लखनऊ। किसान आक्रोशित हैं, आक्रोश में है, मजबूरी में धरने पर बैठे हैं, क्योंकि किसान धरने प्रदर्शन से प्रायः दूर रहते हैं। वो अपना खेती करते हैं, कृषि करते हैं और उसी काम में लगे रहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि लखनऊ प्रखंड में आक्रोशित किसान अपने वाजिब हक के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। आप सुन रहे थे वामपंथी नेता रामनारायण जी को। अब मैं किसान संघर्ष समिति के एक और सदस्य सुभाष चंद्र झा जी से भी कुछ जानना चाहूँगा कि आगे आपकी रणनीति क्या होगी। किसान आक्रोशित हैं और इनकी जायज मांग है, इतना तो पता लग चुका है इन दोनों वक्ताओं के वक्तव्य से। मैं सुभाष जी से भी कुछ जानना चाहूँगा। धन्यवाद। माननीय राम नारायण जी जैसा कहे हैं और शंकर जी जो समिति के अध्यक्ष हैं उनके बाद से हम पूर्णतः सहमत हैं। किसान के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। इस नाइंसाफी को सरकार के कर्मचारी ने किए हैं। जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसको आवासीय कर दिया गया है। इस तरह की अनियमितता और गांव में बसे हुए लोग वो कृषि भूमि का दर्जा पाए हैं और 1.5 लाख रुपया मुआवजा उसका दिया जा रहा है। जमीन 20 लाख रुपए भी खोजने से नहीं मिलता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं अगर घर उजड़ जाएगा तो बसने के लिए उसके पास भूमि नहीं है। आप जाइए कमला नदी के पेट में जो जमीन है जिसमें 5 किलो धान नहीं उगता है उसको जो है आवासीय भूमि करार दिया गया है। इस तरह का जो है अनियमितता जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को सरकार अगर नहीं देखेगी तो हम वहां तक मुकाम तक जाएंगे जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। मुझे अपने हक का अधिकार का पूरा जो है मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। अंत तक आंदोलन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आपने सुना इनकी दृढ़ता। किसान जिद्दी होते हैं, जमीन को चीर कर दाना रख कर फसल उगाते हैं। वर्षा पानी में फसल दह जाए उसके बाद भी वो हार नहीं मानते हैं। वही जिद, वही दृढ़ता आज लखनऊ प्रखंड में आक्रोशित किसानों के पास दिख रही है और ये अंततः बता रहे हैं कि किसी भी हद तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये चिंगारी अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो लखनऊ से आगे बढ़कर झंझारपुर, मधुबनी, पटना होकर दिल्ली तक पहुंचेगी, ऐसा इन लोगों का आक्रोश बता रहा है। धन्यवाद। अगली भी जानकारी मैं देता रहूंगा। बिहार 24 जिंदाबाद।